अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टाइल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड आई डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है सपोजिटरी फॉर इन्फेंट या टोडलर्स फीवर, यानी कि अपने बच्चों के फीवर को आप किस तरह से सपोजिटरी के जरिए रिड्यूस कर सकते हैं, फीवरल इन्फेंट को हम यूज कैसे कर सकते हैं। सपोजिटरी जो इन्फेंट्स फीवर के लिए इस्तेमाल होती है उसके कुछ ब्रांड्स नेम हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है चिल्ड्रंस फीवर रिड्यूसर, एसिफिन फीवरल एडल्ट्स, फीवरल इन्फेंट्स, फीवरल चिल्ड्रंस, नॉन एस्पिरिन चिल्ड्रंस, फीवरल JR डॉट स्ट्रेंथ, टॉप केयर चिल्ड्रंस फीवर रिड्यूसर, फीवर रिड्यूसिंग सपोजिटरीज। तो ये सब ब्रांड्स नेम हैं। तो जनरल नेम है हमारे इन्फेंट सपोजिटरी फॉर फीवर के लिए, वो है फीवरल इन्फेंट्स। डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं जब आपके बेबी को या आपके बच्चों को या आपको फीवर हो, क्योंकि फीवर के ज़रिए जब आपको टम्परेचर हो जाता है, हाई टम्परेचर हो जाता है तो आपके हेडेक होती है, तो उस पेन को रिड्यूस करने में ये मदद देती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे जो हैं वो माउथ के ज़रिए या आपके बेबी माउथ के ज़रिए नहीं लेते, उनको आप उनको वो मेडिसन जैसे पैरासीटामोल पैनाडोल जो के फीवर रिड्यूसर हैं वो माउथ के ज़रिए नहीं ले पाते, उनको उसका टेस्ट नहीं पसंद या उनका गला ख़राब है या और कोई रीज़न है या उनको वॉमिटिंग आ जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर सपोजिटरी रिकमेंड करते हैं। एक तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं शामिल होता, कोई पैराबेंस नहीं है, ये कुछ केमिकल्स हैं जो आमतौर पर सब हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डाली जाती हैं। पैराबेंस हैं, इसमें पैराबेंस भी नहीं होता। फिर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सीरप पे जितने भी बेबीज़ के सीरप हैं उनमें डाले जाते हैं, तो इसमें नहीं होता, क्योंकि ये अब आपको रेक्टम में इंसर्ट करनी है, इसको माउथ के ज़रिए लेना नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या डाइज वगैरह नहीं होता, तो इस लिहाज से ये जो माउथ के ज़रिए सीरप वगैरह या मेडिसिन ली जाती है उसके निस्बत सपोजिटरी को रिकमेंड किया जाता है। अब आज चलते हैं हाउ टू टेक, कैसे लिया जाए सपोजिटरी को या उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लें। बेबीज़ के अंदर रेक्टम में सपोजिटरी को इंसर्ट करने से पहले जो सपोजिटरी निकालें उसका जो रैपर है उसमें से निकाल के आपने इंसर्ट करनी है रेक्टम वाली प्लेस पे, और याद रखिए उस जगह इंसर्ट करने से पहले आपको लुब्रिकेशन के तौर पे एक जेल यूज़ करनी है। KY जेली होती है, लेकिन पेट्रोलियम जेली या वेजलिन बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करनी, यह खतरनाक हो सकती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं। ले योर बेबी ऑन लेफ्ट साइड, देन उसके लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखें और स्लाइटली बेंट रखें, और जो राइट नी है उसको बेंट अपवर्ड करें। देन जेंटली पुश, जो पॉइंटेड एंड होगा सपोजिटरी का वो आपने पुश करना है इनटू द रेक्टम ऑफ योर बेबी अबाउट 1 इंच। उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए अपने बेबी को उसी हालत में लटाए रखना है और उसके बटक को पिंच करना है स्लाइटली, ताकि वो मेल्ट होने के बाद बाहर ना आ जाए। तो इसके बाद आपने हाथ धो लेने हैं। प्रिकॉशंस में आ जाते हैं कि जब भी आप मेडिसिन यूज़ करने लगें तो उस पर जो लेबल डायरेक्शंस लिखी होती हैं हमेशा उसको फॉलो करें, और कभी भी रेक्टल सपोजिटरी को माउथ के ज़रिए ना लें। नेवर शेयर योर मेडिसिन विद एनीवन एल्स। हाँ, अगर आपके सिम्टम्स, आपके बुखार के सिम्टम्स अगर फिर भी रहते हैं तो आप मेडिसिन को स्टॉप कर दें यूज़ करना, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा मेडिसिन ये इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वट टू डू फॉर अ मिस डोज, अगर आपकी डोज मिस हो जाती है तो आपको क्या करना है। आपको कोई एक्स्ट्रा डोज या आपको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी कि आप उस मिस डोज को कंपनसेट कर सकें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दवाई ली है और उसके 24 घंटे बाद आपके नेक्स्ट डोज का टाइम है, लेकिन आपको ये याद आता है तकरीबन 40 घंटे बाद, यानी कि एक दिन का भी गैप आ जाता है और आपको याद आता है, तो ऐसा ना हो कि अगली डोज का 1-2 घंटे रह जाएं और आप ये डोज ले लें, उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा दूसरी डोज ले लें। ऐसा हरगिज ना करना, जो मिस्ड हो गई है वो उससे मिस्ड ही रहने दें। कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाती है, अगर आपको एसिटामिनोफेन से
जो आप फीवराल सपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें और अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। वार्निंग साइन में है, आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, मीन्स अगर आप फीवराल इन्फेंट्स जो है अगर आप अडल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये वार्निंग साइन ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट बेबीज पे फीडिंग के जरिए हो सकता है। या अगर आप कोई लेबॉरेटरी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन में एसिटामिनोफेन होता है जो आपके टेस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तब भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें और आपके डॉक्टर को इस बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई और मेडिसिन ना लें जिसके अंदर एसिटामिनोफेन केमिकल जो इसके अंदर मौजूद है वो हो। साइड इफ़ेक्ट्स में है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स माइल्ड होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा एडवर्स होते हैं। तो अगर माइल्ड हैं तो आपको उसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ही देर दिनों बाद फेड ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर एडवर्स टाइप हैं तो अपने अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे येलो स्किन हो जाती है या आइज येलो हो जाती हैं, नोजिया होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेन स्टमक में पेन होती है। अगर सीवियर किस्म के आपको पेन है तो आपने डॉक्टर से रजू करना है और इसको छोड़ देना दवाई को। फेंटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, वॉमिटिंग इन ब्लड सॉरी ब्लड आ रहा है आपकी वॉमिटिंग में, तो तब भी आपको छोड़ देनी है। लाइट हेडनेस, आपको चक्कर वगैरह आ रही है, वीकनेस हो रही है, स्टूल्स में ब्लड आ रहा है या ब्लैक कलर के स्टूल्स हैं, या कुछ और एलर्जिक रिएक्शन है जिस स्किन टाइप में जैसे ब्रूसीज आ रहे हैं आपको, या डार्क कलर का यूरिन है या ब्लैक कलर में है या ब्राउन में है, तब भी आपको ये एडवर्स टाइप ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स में है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर आवर चैनल विद अदर्स। थैंक्स।